नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों, आज नए टॉपिक पे हम बात करेंगे, दुबई से रिलेटेड वैकेंसी से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात ज्यादा वैकेंसी हार्डली नहीं है, नॉर्मल वैकेंसी, जिनको इस वैकेंसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा कमेंट मैसेज आते हैं और खासतौर से ज्यादा लोगों की रिक्वायर होती है, सर कि इजी काम हमें बता दीजिए ताकि हम इस काम को कर पाए। तो भाई बहुत ही इजी काम है, आप कर सकते हैं। आप करना चाहते हैं कि नहीं चाहते वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दुबई की जॉब है क्लीनर से रिलेटेड, जी हाँ, क्लीनर का जॉब है, साफ सफाई का जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तुरंत इसमें अप्लाई करके अपना काम करवा सकते हैं। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप दुबई में हो, कहीं से भी आप ये जॉब अवेलेबल है, आपको जॉब ये मिल सकता है। अर्जेंटली रिक्वायर है क्लीनर से रिलेटेड। सैलरी की बात करूं, थोड़ा डिफरेंस है सैलरी में। हालांकि सैलरी क्लीनर की सैलरी 800 900 खाना 1100 रुपए होती है, लेकिन इसमें आपको 1200 एडी मिलेगी, 1200 दराम सैलरी इसमें मिल जाएगी, ठीक है साथियों। अकोमोडेशन आपको मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको मिलेगी। मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह होता है, 2 साल का वीजा होता है, ये तो आपको सबको पता ही होता है। फ्राइडे की छुट्टी, ये सबको आपको पता ही है। बाकी खास बात यह कि ये काम कहाँ करना पड़ेगा मैं बता दूं। इसमें कंडीशन होगी, अगर आप होटल में, अगर रेस्टोरेंट में क्लीनर का काम करते हो तो आपको खाना भी मिल जाता है, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बाकी ये काम दूसरे में भी आती है, जैसे तहसील ऑफिस, इंडिया में तहसील होती है, वहां उर्दू वर्ड है तहसील ऑफिस, इमिग्रेशन ऑफिसेज होती हैं, ठीक है साथियों। वहां पे ये काम करना होता है क्लीनर से रिलेटेड। वहां पे आपको पता है वहां के लोकल जो अरबी, आपको पता है भाई इमिग्रेशन अधिकारी कौन होंगे, वहां के लोकल अरबी होंगे। वहां पे आपको सैलरी टिप के माध्यम से थोड़ा और मिल जाती है, जो इस इमिग्रेशन गवर्नमेंट ऑफिस में क्लीनर्स वगैरह का काम करते हैं उनको पता है। जब महीने वाले दिन तनख्वाह मिलती है, जैसे आप मान लो 50 आदमी क्लीनर हो या 20 हो 30 हो, जितने भी बंदे हो, उनको जिस महीने लास्ट में सैलरी मिलेगी उस टाइम अधिकारियों की तरफ से टिप मिलता है, ये वहां का रूल है, या फिर वो देते हैं, वो उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि 2000 एडी आ गई, आप 20 आदमी हो तो आपको 100-100 आपको मिल जाएगा, या फिर आप 5 हो तो आपको 300-300 मिल जाएगा, 400-400 इस तरह से वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको हो जाएगा। तो मान के चलिए 25,000 तक भाई आप कमा सकते हो, सीधी सीधी गणितीय 25,000 तक आप कमा सकते हो, उसमें से आप ओवर टाइम मान सकते हो, खर्चा निकालने बोल के कुछ भी मान लीजिए 25,000 रुपए तक आप मिल सकता है। बाकी क्लीनर में भाई इतनी ही सैलरी मिलती है, पूरी दुनिया को पता है। बाकी एक वीडियो और डालूंगा जिसमें क्लीनर की सैलरी भाई बहुत ज्यादा दे रखी है, उस पर एक्सप्लेन करूंगा अलग से। बाकी सच्चाई ये है दुबई में इतनी ही सैलरी मिलती है, इसमें भी 200 रुपए ज्यादा है, बाकी मिलती कितना है 1100, इसमें 1200 सैलरी तक है। तो ये मान के चलिए आपके लिए बेनिफिट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से विजिट टू एम्प्लॉयमेंट होता है, जाते ही 2 साल का वर्क परमिट वीजा आपको कन्वर्ट हो जाता है, पासपोर्ट के अंदर लग जाता है अपना, इसमें इंटरव्यू वगैरह का कोई चक्कर नहीं रहता। क्लीनर्स का जॉब है, थोड़ा बहुत आपको पढ़ा लिखा अगर वो आप हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे कुछ अलग बढ़ने के चांसेस होते हैं, आपको सबको पता है। तो मेरे हिसाब से क्लीनर जॉब है, जो भाई इंटरेस्टेड है इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे से कॉन्टेक्ट नंबर आप ले लीजिए, डायरेक्ट बात कर लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिए साथियों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज इसी जॉब से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड मैं इंक्वायरी डालूं तो आपके पास सबसे पहले वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।